सुंदर है। तो हो गया हमारा फ्रेजर हिल का टूर पूरा खत्म, टूर खत्म हो गया। क्लॉक टावर मैंने आपको कल दिखा दिया था, बाकी ये सब एक घंटे दो घंटे में हो गया। अभी हम थोड़ा सा चिल करेंगे, जाएंगे इंग्लिश टी हाउस जो कि हमारे रिजॉर्ट के एकदम पास में ही है। सो विल गो देयर, हैव अ कप ऑफ टी, फिर चलते हैं घर, लंच वंच करेंगे, लेट हो गया है वैसे भी। सी यू एट द टी हाउस गाइस। सब कुछ हो गया है, सब हमने कवर कर लिया। कल आपको हमने क्लॉक हाउस दिखाया था, जो नियर बाई प्लेसेस हैं वो दिखाए थे। आज हमने आपको एलन्स वाटर दिखाया जहाँ पे बोट राइडिंग कर सकते हो, पैडक दिखाया जहाँ पे आप आर्चरी और हॉर्स राइडिंग वगैरह कर सकते हो, और हमने क्या दिखाया, एक मुनेश्वर टेम्पल, हिंदू टेम्पल दिखाया। फिर हमने एक स्ट्रॉबेरी फार्म दिखाया, साइड में था वो, तो वो ओपन नहीं था, मुझे कोई दिखा नहीं वहाँ पे। बाकी हम अभी लास्ट जा रहे हैं इंग्लिश टी हाउस, तो दैट इज़ वेरी नियर बाय, हमारे रिजॉर्ट से बस 200 या 300 मीटर होगा, तो वो है हमारा लास्ट स्टॉप। उसके बाद फ्रेजर हिल्स में और कुछ है नहीं, गुड बाय करेंगे। हाँ, गुड बाय करेंगे हम। सत्या का कुछ काम आया है और मेरा भी, कल सुबह मेरे को वो थोड़ा कुछ पिकअप करना है, वो वर्क रिलेटेड है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज शाम को निकल जाएं। दो हमारा बुकिंग आज का है, बट देखते हैं क्या होता है, अगर वो काम हो जाएगा किसी और से तो फिर हम नहीं जाएंगे, अगर नहीं हो पाया 4 बजे तक फिर हमें जाना पड़ेगा। देखते हैं, हम बताते हैं आपको जैसे भी हो, है ना गाइस। फाइनली हम इंग्लिश टी हाउस में आ गए, चलिए थोड़ा चाय पीते हैं फिर चलते हैं घर की तरफ, मतलब रूम की तरफ। पहले तो देखो टेबल्स हैं क्या, ऑलमोस्ट लंच टाइम, सो नॉट वेरी श्योर। You want to try brownie? Your favorite brownie, Kunju. He loves brownie. He will eat it. For sure, he will eat it. Brownie looks interesting. So, इतना मस्त लग रहा है कि सत्या ने फिश एंड चिप्स भी ऑर्डर कर लिया। चॉकलेट चॉकलेट और ऑरेंज का जो एंटी क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्मेल है ना, अच्छा मतलब मुझे तो मस्त लग रहा है, पता नहीं क्यों। आई एम आल्सो फीलिंग क्यूरियस बिकॉज़ इट इज गिविंग अ डिफरेंट स्मेल, दिस इज गिविंग अ डिफरेंट स्मेल, और वो स्मेल फाइट कर रहे हैं। और ये प्लेस के बारे में कुछ बताओ मुझे, तो बहुत ही कोजी लग रहा है ना, और यहाँ पे फूड ऑप्शन भी अच्छे हैं, है ना। गाइज अभी आई थिंक इट्स ऑलरेडी 3 PM और हम सब की हालत एकदम टाइट हो गई बिकॉज बहुत ठंड है यहाँ पे, और 12 बजे तक ना यहाँ पे फॉग होती है। आज जैसे कि हम बाहर निकले ही थे कि 12 बज गए थे, तो हम सोच रहे हैं कि आज हम लोग निकल जाए, हमारा बुकिंग कल तक का था, बट नहीं हमें कल अगर ऐसे हुआ तो कल बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है मेरा जो कि मुझे 11 बजे तक करना है, वर्क रिलेटेड। अगर नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि अगर कल भी ऐसे क्लाइमेट हो तो हम निकल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अभी निकल जाए, अभी मतलब 4:30 तक निकल जाए ताकि रात तक पहुँच जाए और कल सुबह मेरा काम हो जाए। तो वही है, बाकी फ्रेजर टाउन पूरा हमने घूम लिया, तो ये ब्लॉग को जो है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। इसके बाद एक फुल फ्रेजर हिल का टूर आपको इंग्लिश वर्जन में मिल जाएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ व्यूअर्स, तो स्टे ट्यून। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लो, लाइक शेयर एंड प्लीज़ कमेंट बिलो। अगर आपको कुछ और चेंजेस चाहिए मेरे वीडियोस में या तो यू नो एनी टाइप ऑफ कमेंट्स आर वेलकम। तो
तो चलिए फिर हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल. कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड. बाय.